नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर मऊगंज से है, जहां मुख्य चिकित्सा और उच्च स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा के पदस्थापना के दौरान पूरे जिले में अवैध पैथोलॉजी सहित अवैध मेडिकल स्टोरों की बाढ़ सी आ गई। जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। बीते रविवार की रात जिले से एक टीम अवैध पैथोलॉजी की जांच करने मऊगंज पहुंची तो पैथोलॉजी सेंटरों सहित दीवारों में एक आदेश चस्पा कर बैरंग लौट गई। माना जाता है कि पैथोलॉजी अब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, पर सुबह से ही सभी पैथोलॉजी प्रतिदिन की तरह खुलने लगी हैं और अब लोगों के मन में बड़ा सवाल उठा है कि मऊगंज की पैथोलॉजी रात में अवैध पाई गई थी और सुबह होते होते अचानक वैध कैसे हो गई। जो नोटिस के बाद भी संचालित है, कोई बड़ा चमत्कार यहाँ देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में फैलाई जा रही बड़ी कार्रवाई की भ्रामक खबरों के बाद से लोग अब अचंभित हैं और गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा बीएल मिश्रा, जिनका नाम काफी चर्चित है, सीधी पदस्थापना के दौरान ये विवादों में घिरे रहे, क्योंकि अंधत्व निवारण योजना के तहत स्कूली बच्चों को चश्मा वितरित करने के नाम पर इनके ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा था। सीधी के चश्मा कांड घोटाले को उजागर करते हुए राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इनके भ्रष्ट व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद डॉक्टर मिश्रा को सीधी से हटाया गया। पर सत्ताधारी दल में इनकी गहरी पैठ होने की वजह से इन्हें रीवा का प्रभार दिया गया और तभी से इनके ऊपर लेन देन का आरोप लगने लगे हैं। जब तक इनकी कृपा रही तब तक ये अवैध पैथोलॉजी सहित अवैध मेडिकल स्टोर इसी तरह से फलते फूलते रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित रीवा के 8 विधायक अपने भाषणों में अक्सर यही कहते हैं कि हमारी भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम किया है। सीएम तो यहां तक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। और ऐसे में सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा का नाम चौंकाने के लिए काफी है, क्योंकि बिना नेत्र परीक्षण किए ही स्कूल बंद होने की दशा में भी इनके द्वारा चश्मा खरीदी की गई। इसी तरह आशा डायरी घोटाला, एरियर भुगतान के बदले कर्मचारियों से कमीशन लेने जैसे गंभीर आरोप राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने शिवराज सिंह को शिकायती पत्र सौंपते हुए लगाए थे। इसके बाद भी इन्हें रीवा जैसे जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि रात में जांच टीम का मऊगंज पहुंचना और फिर उसके पास वैध या अवैध पैथोलॉजी की जानकारी नहीं रही तो श्यामा पैथोलॉजी नर्मदा डिजिटल एक्सरे में भी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद नोटिस चस्पा कर औपचारिकता पूरी कर जांच टीम निकल ली थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।